दुर्ग के मछुआरा समाज के द्वारा काफी समय से नदी के तेज बहाव में बह चुके लोगों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। इस बारिश के मौसम में भी मछुआरा समाज के द्वारा कई बार बचाव कार्य में हिस्सा लिया गया एवं प्रशासन की मदद की गई, परंतु प्रशासन की ओर से समाज को किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक नहीं की गई है। समाज के द्वारा कई बार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। इसी कड़ी में आज फिर समाज के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसके बारे में जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। मेरा नाम जगमोहन ढीमर, दुर्ग नगर निगम से एल्डरमैन और छत्तीसगढ़ ढीमर समाज से कोषाध्यक्ष। आज हम लोग माली जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। हम लोग सभी मछुआरा समाज से हैं, गोताखोर, जो नदी नालों तालाबों में सौ जो डूबे रहते हैं उसको निकालने का और जान बचाने का काम करते हैं, जिसमें हमें बहुत बार आश्वासन मिला गया था कि आर्थिक स्थिति मदद करेंगे, सहयोग का सहायता देंगे करके, जो अभी तक के नहीं दिया गया है। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि हमें बार बार जो आश्वासन मिलता है, आश्वासन न मिल के हमें हमारी मांगे पूरी किया जाए। सबसे पहले मांगे तो ये है कि हमें मछुआरा गोताखोरों का पंजीयन बनाया जाए और हमें एक परिचय पत्र आईडी प्रूफ दिया जाए और हमें लाइट जैकेट और बोट की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। हमें बार बार जो दुखद परिजनों के से हमें जो सहयोग राशि जो मिलता है उसमें हमें बहुत ही पीड़ा होती है, महसूस करते हैं पीड़ा होती है, जो हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए जो हम अपने जान में जोखिम में डाल के जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें शासन प्रशासन से कुछ सहयोग राशि मिला जाए। हम लोग कम से कम भैया इस वर्ष अगर बोले जाए तो 8-10 बार तो इस वर्ष कर चुके हैं, इससे पहले कम से 40-50 बार कर चुके हैं।